हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग जोन। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूनिट नंबर 4 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की, स्पेशली फॉर बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 1, ये तीनों यूनिट्स मैं अभी तक कवर कर चुका हूँ, जिसमें मैंने शॉर्ट नोट्स के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे वो सारे अभी तक कवर किए। अभी यूनिट नंबर 4 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं समझाऊँगा आपको, इन शॉर्ट समझाऊँगा, ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे अगर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, लास्ट मोमेंट पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये चीज़ें, बिकॉज शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ना बहुत ईजी होता है और मेन पॉइंट्स आप जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हो। तो अगर वो तीनों वीडियोज़ नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो यूनिट नंबर 3 तक के। यूनिट नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं आज, सोशल ग्रुप्स एंड प्रोसेसेस। नाउ व्हाट आर सोशल ग्रुप्स? देखो, सोशल ग्रुप में अ ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स टू और मोर हैविंग इंटरेक्शन अमंग देम एंड कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। कहने का मतलब ये है कि सोशल ग्रुप क्या होता है, कलेक्शन होता है इंडिविजुअल्स का, जहाँ पर वो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं और उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है जिसलिए वो ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप का एक ऑब्जेक्टिव होता है, हर मेंबर का वो सेम ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। नाउ ये थी पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन आप कह सकते हो, एनी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स हु आर एस्टेब्लिशिंग ह्यूमन रिलेशनशिप विद वन अनदर, है ना, एक दूसरे के साथ ह्यूमन रिलेशनशिप बनाते हैं, उस ग्रुप, उस कलेक्शन को हम एक ग्रुप कहते हैं या सोशल ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर ये डेफिनेशन मैकाइवर, आरएमएन पेज ने दिया था, तो डेफिनेशन के नीचे आप ऑथर का नेम लिख सकते हैं। मैं ये बात हर वीडियो में बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट, क्योंकि ये मैटर करता है, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं ग्रुप्स के? कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, सीधी सी बात है, कोई एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं बनाता है ग्रुप को, कई सारे लोग मिलकर ग्रुप को बनाते हैं, दैट्स वाई कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल मेक्स ग्रुप, नॉट अ सिंगल पर्सन मेक अ ग्रुप। सेकंड पॉइंट इज इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स, मेंबर्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, आपस में एक दूसरे से बातचीत होती है, ये सब चीज़ें होती है। म्यूचुअल अवेयरनेस, म्यूचुअल अवेयरनेस का मतलब है एक दूसरे के बारे में जानना, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज वी फीलिंग, वी फीलिंग का मतलब है टेंडेंसी टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज ग्रुप ऑफ मेंबर। इसका मतलब ये कि इफ यू आर अ, जस्ट लेट सपोज यू आर अ मेंबर ऑफ एनी ग्रुप, देन यू विल फील कि यार मैं इस ग्रुप का मेंबर हूँ, तो तुम्हें ये फीलिंग होगी अंदर से कि हाँ इस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ मैं। तो वही चीज़ है कि हर मेंबर जो किसी भी ग्रुप का होता है उसे एक मन में फीलिंग होती है कि हाँ मैं इस ग्रुप का मेंबर हूँ, दिस फीलिंग इज कॉल्ड वी फीलिंग। फिफ्थ पॉइंट इज ग्रुप यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी, इसका मतलब ये कि यूनिटी होती है एक ग्रुप में, ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट होता है, ये मैंने पहले ही बताया। ग्रुप का नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कस्टम ट्रेडिशंस भी कह सकते हो। एट्थ पॉइंट इज साइज ऑफ ग्रुप, यानी ग्रुप का एक साइज होता है, कुछ ग्रुप लार्ज होते हैं, कुछ ग्रुप स्मॉल होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी इंडिविजुअल्स इन देयर, इन दिस ग्रुप आर। नाउ नाइन्थ पॉइंट इज ग्रुप आर डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब है कि ग्रुप्स चेंज होते रहते हैं, मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, आज एक मेंबर यहाँ है तो कल दूसरे ग्रुप में भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सेम ग्रुप में ही वो हमेशा रहेगा। टेंथ पॉइंट इज स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है, टेम्परेरी, परमानेंट, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। नाउ इम्पोर्टेंस क्या है सोशल ग्रुप की, क्यों बनाना है सोशल ग्रुप, है ना, सिंगल इंडिविजुअल भी तो रह रहा है ना, वो भी तो जिंदा है। सर्वाइवल बिकम्स प्रॉब्लमेटिक विदाउट ग्रुप्स, मतलब ये कि अगर आप ग्रुप में नहीं रह रहे तो सर्वाइवल जो है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ग्रुप बना के, सिविलाइजेशन बना के हम क्या करते हैं, अपना सर्वाइवल जो है ईजी कर लेते हैं। मैन बिकम मैन ओनली अमंग मैन, इसका मतलब ये कि सोशलाइजेशन होता है जब हम लोगों के बीच रहते हैं, यानी कि एक इंसान, एक आदमी तभी बन पाता है जब वो इंसानों के बीच रहता है, ठीक है। तो सीख कर इन सब चीज़ों से, इंसान इंसान से सीख कर ही बड़ा होता है। थर्ड पॉइंट इज हेल्प सोशल सर्वाइवल, सोशल सर्वाइवल यानी सोसाइटी में सर्वाइवल में हेल्प करता है इंडिविजुअल को, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि सोशलाइजेशन हो रहा है तो उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी। फिफ्थ पॉइंट इज एफिशिएंसी मोल टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जब हम ग्रुप में होते हैं, ठीक है। सिक्स पॉइंट इज मोटिवेशन, ग्रुप मोटिवेट करता है मेंबर्स को, सेटिस्फैक्शन होता है और सोशल आइडेंटिटी होती है एक, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें सोशल ग्रुप्स की, तो यहाँ पर दो क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे यूनिट के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दो क्लासिफिकेशन। यार प्लीज़ वीडियो को देखो एंड तक देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी बताने वाला हूँ जो वीडियो के बीच में बताऊँगा, और जिन लोगों ने अभी तक स्किप कर दी होगी ना वीडियो, उन लोगों को नहीं पता होगा जो अब मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप का डिफरेंस और ये दोनों होते गए हैं वो मैं भी बताऊँगा। इन एंड आउट, इन ग्रुप और आउट ग्रुप का क्या डिफरेंस है, क्या इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, और या फिर बेसिकली ये है क्या, वो मैं अभी बताऊँगा। बाकी ये जो जेनेटिक और कॉन्ग्रीगेट ग्रुप हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रुप, वर्टिकल ग्रुप, क्राउड ग्रुप्स और एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ
ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए, आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। नाउ वी विल मूव ऑन टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। व्हाट इज प्राइमरी ग्रुप? प्राइमरी ग्रुप इज स्मॉल ग्रुप इन विच फ्यू पर्सन कम इन टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अनदर। इसका मतलब ये कि प्राइमरी ग्रुप क्या है, जिसमें कुछ लोग, प्राइमरी ग्रुप क्या, पहली बात फ्यू लिखा है, फ्यू मतलब स्मॉल ग्रुप है, फ्यू पर्सन आ रहे हैं ना, स्मॉल ग्रुप होगा जिसमें क्या होंगे, कुछ ही लोग होंगे और वो फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे होंगे। लेट सपोज टेक एग्जाम्पल ऑफ ऑफलाइन क्लासेस इन कॉलेजेस, ठीक है, कॉलेजेस में ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, वहाँ पर आपका क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है अपने दोस्तों से, अपने क्लासमेट से। 60 का बैच है जैसे मेरा अभी, तो 60 के बैच में क्या होता है कि कम लोग हैं, 60 का बैच इज स्मॉल ग्रुप। वाइल अगर मैं कहूँ कि हाँ मैं, मेरा यूट्यूब चैनल है, अभी आप नर्सिंग जोन पर वीडियो देख रहे हो, ये क्या है, एक तरह का ग्रुप है ना, बट ये क्या है, सेकेंडरी ग्रुप है। क्यों है सेकेंडरी ग्रुप? पहली बात फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, मेंबर्स का तो आपस में है ही नहीं, और मेरा किसी से फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ आप मुझे देख सकते हो, वो भी वीडियो के माध्यम से, हम पर्सनली एक दूसरे को नहीं देखा हमने कभी, ना हम फिजिकली कभी मिले, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रुप की बात करते हैं, हाँ फर्स्ट प्राइमरी ग्रुप मैं अभी बताऊंगा और थोड़ा सा, बट पहले सेकेंडरी की डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन फेस टू फेस कॉन्टैक्ट आर नॉट प्रेजेंट इन रिलेशन ऑफ मेंबर्स वी हैव सेकेंडरी ग्रुप्स, ठीक है, वही चीज़ मैंने बताई अभी। नाउ यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक में फेस टू फेस म्यूचुअल हेल्प होती है, कंपेनियनशिप होता है, वी ग्रुप्स इसे कहते हैं, वी ग्रुप यानी कि एक अपनापन होता है इस ग्रुप में, यूनिवर्सल होता है, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं कि यहाँ दिल्ली में है, पंजाब में नहीं है, इंडिया में है, अमेरिका में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, हर जगह होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, फेस टू फेस रिलेशनशिप ये तो पता ही है, रिलेशनशिप इज पर्सनल, क्योंकि यार यहाँ पर आप वी फीलिंग आ रही है आपको, तो आपको थोड़ा अपनापन लग रहा है, तो इसका मतलब रिलेशनशिप थोड़ा सा पर्सनल होगा मेंबर्स के बीच में, है ना। स्पॉन्टेनियस रिलेशनशिप है और स्मॉल साइज होगा, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी या नियरनेस होगी, फिजिकली लोग पास पास होंगे। सिक्स पॉइंट इज स्टेबिलिटी ऑफ द ग्रुप, स्टेबल होगा, सिमिलैरिटी होगी बैकग्राउंड में, क्योंकि यार है ना सेम क्लास से हैं, सेम उससे बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आती है, मतलब बैकग्राउंड जो है सिमिलर होता है मोस्टली। लिमिटेड सेल्फ इंटरेस्ट होता है। पांच पॉइंट याद रख लो, बहुत है कैरेक्टरिस्टिक्स के, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। फेस टू फेस इंटरेक्शन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तो याद रखना ही रखना है, और फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, स्मॉल साइज, ये कुछ पॉइंट्स हैं ये याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, पर्सनैलिटी को शेप करता है, एसोसिएट इंडिविजुअल्स, इनकरेजेज मेंबर को इनकरेज कर रहा है, बूस्ट कर रहा है मोरल को, है ना, वी फीलिंग तो है ही, सेल्फ सोशल कंट्रोल, टीचिंग रूल्स, ये ठीक है, इंपॉर्टेंस करने की जरूरत नहीं है, बट कैरेक्टरिस्टिक्स यू शुड नो, जो मैंने अभी ऊपर ही बताए ये वाले, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप में क्या है कि व्हेन फेस टू फेस कॉन्टैक्ट आर नॉट प्रेजेंट इन अ रिलेशन ऑफ मेंबर्स, जहाँ फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है मेंबर्स के बीच में, वहाँ पर वी, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रुप, मैंने बताया अभी। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डोमिनेंस ऑफ सेकेंडरी रिलेशंस, है ना, लार्जनेस ऑफ साइज, साइज लार्ज होगा, डोमिनेंस होगी सेकेंडरी रिलेशंस की, और मेंबरशिप यहाँ पर है, मतलब आप एक काइंड ऑफ मेंबर हो, बट यू आर नॉट ऑन फिजिकल बेसिस पे आप नहीं मिल रहे हो, और एक वी फीलिंग जो मैंने उसमें बताया था प्राइमरी ग्रुप में, वो यहाँ नहीं होने वाला है, ठीक है। स्पेसिफिक एंड्स या इंटरेस्ट होंगे, देखो उसमें क्या था, प्राइमरी ग्रुप में स्पेसिफिक गोल्स तो थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, बट ऐसा कुछ ये नहीं था कि किसी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आप उनसे मिल रहे हो, दैट्स वाई इट वॉज, कि वहाँ पर क्या था, वहाँ पर एक चीज़ मैंने बताई थी कि रिलेशनशिप इज पर्सनल, पर्सनल रिलेशनशिप था, ठीक है, लोगों के बीच में कनेक्शन था एक, लेकिन यहाँ पर कनेक्शन इतना ज़्यादा नहीं है। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, फेस टू फेस मतलब डायरेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट क्या होता है, आप फेस टू फेस ना मिलके किसी और माध्यम से, ईमेल, व्हाट्सएप, जूम मीटिंग, इनके माध्यम से मिल रहे हो, तो दैट इज़ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। सेवन्थ पॉइंट इज नेचर ऑफ सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल को का नेचर है इसका। ग्रुप स्ट्रक्चर, ग्रुप स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम द प्राइमरी ग्रुप, ठीक है। इंपॉर्टेंस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सो आई विल नॉट टेल दिस। नाउ प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप हमने कर लिया, नाउ वी विल टॉक अबाउट इन एंड आउट ग्रुप। इन ग्रुप क्या होता है, ग्रुप टू विच एन इंडिविजुअल बिलोंग इन हिज इन ग्रुप, एंड आउट ग्रुप इज पर्सन टुवर्ड्स हुम इंडिविजुअल फील अ सेंस ऑफ डिसगस्ट और डिफरेंस। इन ग्रुप क्या होता है, जिस ग्रुप से आप बिलोंग करते हो, है ना, और आउट ग्रुप क्या होता है, जिस ग्रुप से आपकी बनती नहीं है, इन लेम लैंग्वेज मैं बोलूँगा, जिस ग्रुप से आपकी बनती नहीं है वो आपका आउट ग्रुप होता है। इसका एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज करो आप क्लास में हो, आपके क्लास में 60 का बैच है, वहाँ पर आपके कितने, आपके ग्रुप जो होगा, फ्रेंड सर्कल जो होगा, कितने लोग होंगे, 5, 10, ऐसा तो नहीं है कि पूरी क्लास आपकी दोस्त है, नहीं होता ना ऐसा। क्लोज फ्रेंड्स कितने होते हैं, 5 या 10 होते हैं, किसी किसी के बहुत कम होते हैं, 2-3 ही होते हैं। तो वो जो ग्रुप है वो क्या है, इन ग्रुप है, जो क्लोज फ्रेंड्स वाला है ना, वो इन ग्रुप है आपका। इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी डालते हो ना, वो इन ग्रुप होता है, क्योंकि आप ग्रुप टू विच एन इंडिविजुअल बिलोंग, यानी उस ग्रुप से आप बिलोंग करते हो, जबकि है ना। और आउट ग्रुप में क्या होता है कि इंडिविजुअल
फील अ सेंस ऑफ डिसगस्ट, इसका मतलब आपके बीच में उनमें डिफरेंस होगा, यानी कि आपका जो ग्रुप है, इन ग्रुप जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं क्लास में, वो क्या है, वो सब आउट ग्रुप हैं। आप उनसे मिल तो रहे हो, आप उनसे बातचीत कर रहे हो, पर आपका और उनके बीच में बहुत डिफरेंस है, इसलिए वो आपके इतना क्लोज नहीं है, ठीक है। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, दे ग्रुप कहा जाता है। और जो इन ग्रुप होता है उसे वी ग्रुप भी कहा जाता है। तो वी सॉरी इन ग्रुप में कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, यानी कि अपनापन फील होता है, सिंपथी होती है। तीसरा पॉइंट इज कोऑपरेटिव रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को। फोर्थ इज ब्रदरहुड, ब्रदरहुड होता है, भाईचारा होता है, और वी फीलिंग तो होगी ही होगी, ठीक है। पांच कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने इसके बताए। आउट ग्रुप में सेम इसका उल्टा कर सकते हो, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इज नॉट प्रेजेंट इन आउट ग्रुप, सिंपथी इज नॉट प्रेजेंट इन आउट ग्रुप, कोऑपरेशन मे बी प्रेजेंट एंड मे बी नॉट बी प्रेजेंट, है ना, ब्रदरहुड नॉट प्रेजेंट, एंड वी फीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा आउट ग्रुप में। इन ग्रुप और आउट ग्रुप के बीच का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। अब ओवरलैपिंग रिलेशनशिप इन एंड आउट ग्रुप, इट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्लासिफिकेशन भी था ग्रुप्स का, वो ये है। इसकी आप सिर्फ डेफिनेशंस भी पढ़ लो तो भी काफ़ी होगा, तो मैं डेफिनेशंस और थोड़े बहुत पॉइंट्स और थोड़े से कवर करूँगा। देखो, हॉरिजॉन्टल ग्रुप क्या होता है, लार्ज ग्रुप लाइक नेशन या पॉलिटिकल पार्टीज, दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल ग्रुप। एंड द वर्टिकल ग्रुप इज डिफरेंट लाइक क्लास, क्लास में भी क्या, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, यानी कि कितना पैसा कमा रहे हो उसके बेसिस पे आपने तीन ग्रुप्स बना दिए कि यार एक तो अपर क्लास वाले लोग होते हैं, एक मिडिल क्लास वाले जिनकी अर्निंग थोड़ी सी ठीक ठाक होती है, और सॉरी अपर क्लास वाले जिनका सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है, लोअर क्लास वाले जिनकी कम अर्निंग होती है, और मिडिल क्लास वाले वाले की ठीक ठाक अर्निंग होती है बस, ठीक है। रिलीजियस ग्रुप्स हैं, एसटीज हैं ट्राइब में, जो ट्राइबल ग्रुप जो होते हैं। पॉलिटिकल ग्रुप्स में आते हैं INC, BJP, BSP, कास्ट, स्टेट एंड गवर्नमेंट, इकोनॉमिक, ये सब हम बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास से। व्हाट इज़ क्लास? क्लास इज़ अ पर्टिकुलर पोजीशन और स्टेटस जो कि पॉपुलेशन, एक विद इन अ पॉपुलेशन एज अ होल, मतलब अगर आप बात करो कि एक पॉपुलेशन में, पर्टिकुलर पॉपुलेशन में आपकी क्या पोजीशन है, है ना। अगर मैं बात करूँ, लेट सपोज एग्जाम्पल लो क्लास का, है ना, आपका क्लास है लाइक आपका बैच है जिसमें आप BSc नर्सिंग में पढ़ रहे हो, उसमें 60 बच्चे हैं, तो वो 60 बच्चों की एक पॉपुलेशन में आपकी क्या पोजीशन आ रही है, ठीक है। एग्जाम की बात कर लेते हैं, आपकी क्या पोजीशन आ रही है, आपने मान लो सपोज करो सेकंड रैंक आई आपकी, सो दैट इज़ योर क्लास ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर पोजीशन या स्टेटस। एक CR होता है क्लास का, तो उसकी एक अपनी क्लास है, है ना, CR होता है आपके बैच का, उसकी एक अपनी क्लास है विद इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा। तो एक पोजीशन या फिर जो स्टेटस होता है उसे हम क्लास कहते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी, है ना। ट्राइब क्या होता है? ट्राइब इज अ स्मॉल ग्रुप विच ऑक्यूपाई कॉमन टेरिटरी हैविंग अ टाइज ऑफ ब्लड। ये जो बी लिखा है ना, BE नहीं है, दिस इज BL डॉट, इसका मतलब ब्लड रिलेशनशिप, मैंने शॉर्ट में लिख दिया हो बस, एंड है एंड बिलोंग टू कॉमन रिलीजन। तो सो ट्राइब क्या होता है? ट्राइब वो सोशल ग्रुप होता है जो कि एक कॉमन टेरिटरी से बिलोंग करता है, और उसके जो मेंबर्स होंगे ना उनके बीच में खून का रिश्ता होगा, इन लेम लैंग्वेज खून का रिश्ता, यानी कि ब्लड रिलेशनशिप होगा, और उनका कॉमन रिलीजन होगा कि वो सिर्फ एक ही रिलीजन है उनका, जो रिलीजन है उसे फॉलो करेंगे, क्योंकि खून का रिलेशन है, खून का रिलेशन बाकी कहीं नहीं दिखेगा आपको, ना क्लास में दिखेगा, ना कास्ट, कास्ट में आपको दिख सकता है बट इतना नहीं होता, ट्राइब में होता है, खून का रिलेशन होगा पूरा, ठीक है। नाउ या कास्ट की हम बात करते हैं, व्हाट इज कास्ट? ग्रुप ऑफ पीपल बियरिंग अ कॉमन नेम एंड हैविंग ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन फॉर्मिंग अ होमोजेनियस कम्युनिटी। इसका मतलब ये कि कास्ट क्या होता है, आपका सरनेम आपको पता है ना, हर किसी का सरनेम होता है, वो जो सरनेम होता है वो क्या डिनोट करता है, वो आपके एंसेस्टर्स से चला आ रहा है, लाइक आपके फादर से पहले ग्रैंडफादर से पहले जो है ना, उनका चलता हुआ आ रहा है जो सरनेम है, तो वो जो सरनेम होगा दैट इज़ योर कास्ट, है ना। तो ग्रुप ऑफ पीपल बियरिंग अ कॉमन नेम एंड हैविंग ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। तो देखो, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन वाली बात जो है, आजकल ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन चीज़ ज़्यादा फॉलो नहीं होती, क्योंकि क्या होता है, फादर कुछ और काम करते हैं और बच्चा जो सन होता है वो कुछ और काम कर रहा होता है आजकल के टाइम पे ऐसे ही, लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था, सेम ट्रेडिशन फॉलो होता था ओवर जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। तो ये चीज़ होती थी पहले, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। तो ये आप ये चीज़ लिख सकते हो, ग्रुप ऑफ पीपल बियरिंग अ कॉमन नेम, यहाँ डेफिनेशन आप देख सकते हो, वेट ये रहा, ग्रुप ऑफ पीपल बियरिंग अ कॉमन नेम एंड हैविंग ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन फॉर्मिंग अ होमोजीनियस कम्युनिटी, एक जैसी कम्युनिटी, होमो मतलब एक जैसे, कम्युनिटी
इकोनॉमिक ग्रुप की बात करते हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रुप? इज अ स्टडी, इकोनॉमिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, यानी कि सोसाइटी के हिसाब से इकोनॉमिक्स की स्टडी करना, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रुप इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक ग्रुप किस बेसिस पे डिसाइड होता है? इनकम के बेसिस पे, कितना आप कैपिटल आपके पास है, कितना आपके पास पैसा है, इसके बेसिस पे आपका इकोनॉमिक ग्रुप डिसाइड होता है, ठीक है। नाउ पॉलिटिकल ग्रुप की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल ग्रुप में है ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सिमिलर पॉलिटिकल एम्स एंड ओपिनियंस। इसका मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ पीपल जो ऑर्गेनाइज हुए हैं, यानी कि कुछ लोग इकट्ठे होते हैं जिनका एक पॉलिटिकल एम होता है, सेम पॉलिटिकल एम होगा उनका और ओपिनियन होगा। लेट सपोज बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जो भी ये पार्टीज हैं, इनके जो भी मेंबर्स होंगे, जो भी एमएलए होंगे, विधायक होंगे, उन सबका क्या एम होगा? बीजेपी को जिताना, या फिर कांग्रेस के होंगे तो कांग्रेस को जिताना, आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को जिताना। तो उनका एक पर्टिकुलर एम है, उनके एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है ना। तो ये चीज़ें हैं, उनमें ये चीज़ कॉमन होती है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो पॉलिटिकल ग्रुप मैंने आपको बता दिया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? वो लोगों का एक समूह जो क्या करता है, पावर में आना चाहता है, पॉलिटिकल पावर में आना चाहता है और गवर्नमेंट के अंदर पॉलिटिकल पावर चाहता है, ठीक है, इलेक्शन के थ्रू। दिस इज कॉल्ड अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इज द सेम, नॉट द डिफरेंट। स्टेट एंड गवर्नमेंट, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आई विल नॉट कवर इट, है ना, क्योंकि जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसे कवर नहीं करेंगे हम यहाँ पे, वही कवर करूँगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बाकी चीज़ें हम नहीं ध्यान देंगे अभी, ठीक है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है आप बुक से रेफ़र कर सकते हैं, नो इशू, अगर आपको नॉलेज चाहिए। बट अगर आपके पास टाइम कम है तो आई विल रिकमेंड कि ना पढ़ें उसे अभी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज़ रिलीजियस ग्रुप? रिलीजन इज एटीट्यूड टुवर्ड्स द सुपर नेचुरल पावर या सुपर ह्यूमन पावर। तो रिलीजन क्या होता है? एटीट्यूड होता है सुपर नेचुरल पावर या फिर सुपर जो ह्यूमन पावर होती है, यानी कि इंसान से जो अलग चीज़ें जा रही हैं, पावर होती है, इसे रिलीजन कहते हैं। रिलीजन इज़ अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिस रिलेटिव टू सेक्रेड थिंग्स। इसका मतलब क्या है? रिलीजन एक तरह का सिस्टम है ना, जो आपके बिलीफ के ऊपर और आपके जो क्या कहते हैं सेक्रेड थिंग्स, मतलब कि जो भगवान से रिलेटेड चीज़ें हैं उनकी जो प्रैक्टिस करते हैं और जो भगवान में बिलीव करते हैं, उन लोगों का जो सिस्टम है, एक जुड़ा हुआ सिस्टम है पूरा, इसे रिलीजन कहते हैं। नाउ एलिमेंट्स क्या होते हैं? मेंबर शेयर सेट ऑफ बिलीव्स, उनके बिलीव्स सेम होते हैं जो मेंबर्स होते हैं एक पर्टिकुलर रिलीजन के। रिलीजन फाउंडेड ऑन मैनी बिलीव्स दैट आर नॉट यूनिवर्सल, ठीक है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। मॉब की बात करें, हाँ, मॉब की डेफिनेशन देखते हैं। डिसऑर्डरली क्राउड ऑफ पीपल और एन एसोसिएशन ऑफ क्रिमिनल्स। इसका मतलब क्या कि डिसऑर्डरली, ऑर्डर नहीं है उनका कोई, क्राउड है, झुंड है लोगों का, लेकिन उसका कोई ऑर्डर नहीं है और वो झुंड जो है वो क्रिमिनल्स का है। दिस इज कॉल्ड अ मॉब, मतलब कई सारे क्रिमिनल जब इकट्ठे हो जाएं और झुंड बना लें ना, क्राउड बना लें, तो उस चीज़ को हम मॉब कहते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव टेकन लॉज इन हैंड, क्योंकि वो क्रिमिनल्स है तो उन्होंने लॉ को हाथ में ले लिया है और इल्लीगल चीज़ें वो करेंगे। तो जैसे गैंग्स होती है ना, गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा है? गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो थे, मुझे नाम नहीं आ रहा, सरदार खान और जो कैरेक्टर्स थे उसमें, देवर मोब्स, क्योंकि वो क्या थे, क्रिमिनल्स थे और उन सब ने क्या बनाया हुआ था, झुंड बनाया हुआ था अपना, और वो क्राउड इकट्ठा कर देते थे तो, और लोगों को हाथ में लेते थे। दीज वर मोब्स इन दैट मूवी, जस्ट एग्जांपल आ गया माइंड में ऐसे ही। कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, सो आई विल नॉट कवर इट। क्राउड की बात करते हैं। क्राउड क्या होता है? क्राउड इज टेम्परेली फिजिकल गैदरिंग ऑफ पीपल एक्सपीरियंसिंग मच ऑफ द सेम रिएक्शन फ्रॉम द सेम स्टिमुलाई। इसका मतलब क्या है? एग्जांपल लेते हैं, एमएस धोनी आ गए हैं अपने, मतलब दिल्ली में एमएस धोनी आए हैं एक मॉल में, वहाँ पर मॉल में क्या होगा, झुंड जमा हो जाएगा, क्राउड हो जाएगा बहुत ज़्यादा। क्यों होगा? तो व्हाट इज़ क्राउड? पहली चीज़, क्राउड को मिला एक स्टिमुलाई, सिंगल स्टिमुलाई, मतलब सेम स्टिमुलाई मिला, क्राउड के जितने भी मेंबर्स हैं सबको सेम स्टिमुलाई ने क्या करा, इकट्ठा कर दिया। कौन था स्टिमुलाई? एमएस धोनी, ठीक है। तो क्राउड क्या है? टेम्परेरी कलेक्शन है लोगों का रिएक्टिंग टुगेदर टू स्टिमुलाई। वो सब रिएक्ट कर रहे हैं स्टिमुलाई को देख के, यानी कि एमएस धोनी को लेख के सब एक्साइटेड हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, टेम्परेरली कलेक्ट हुए हैं, ठीक है। क्राउड क्या होता है? टेम्परेरी कलेक्शन है, कोई परमानेंट नहीं है। मॉब क्या होता है? परमानेंट हो सकता है, ठीक है। मॉब में और क्राउड में डिफरेंस है, मॉब इज परमानेंट एंड मॉब में क्रिमिनल्स होते हैं, जबकि क्राउड में क्रिमिनल्स नहीं होते, नॉर्मल लोग होते हैं। दूसरी चीज़, वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। एमएस धोनी जब तक मॉल में है तब तक लोग क्राउड बना के रखेंगे, जैसे ही एमएस धोनी चले जाते हैं क्राउड हट जाएगा अपने आप, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअली फिजिकली प्रेजेंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। फिजिकली लोग प्रेजेंट होंगे, टेम्परेरीली नहीं, टेम्परेरी होगा,
एनोनिमस होंगे, कोई एक दूसरे को जानता नहीं है, है ना। मॉल में जब सभी लोग इकट्ठे हुए एम एस धोनी के आने पे, तो कोई एक दूसरे को जानता थोड़ी होता है वहाँ पे, लेकिन क्राउड तो जमा हो जाता है, अनस्टेबल भी हो जाता है कई बार क्राउड, और नैरो अटेंशन होता है, ध्यान नहीं जाता किसी का इतना उस पर, ठीक है। टाइप्स आप कर सकते हैं बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, होमोजीनियस और हेटरोजीनियस टाइप्स में ये जो लिखा है ना, ये टाइप्स होमोजीनियस क्राउड और हेटरोजीनियस क्राउड, तो होमोजीनियस क्राउड मतलब सेम तरह के क्राउड, मतलब सेम तरह के लोग हैं, और हेटरोजीनियस में डिफरेंट तरह के लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें स्टेडियम में क्राउड जमा होता है, स्टेडियम में क्या होता है, दो टीम्स होती हैं, लाइक सपोज करो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है क्रिकेट का, अब वहाँ पर जो क्राउड जमा हुआ है वहाँ पर इंडिया के लोग भी हैं और पाकिस्तान के लोग भी हैं, तो वो जो क्राउड कैसा हुआ, हेटरोजीनियस क्राउड हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही मैच हो रहा है और आईपीएल हो रहा है, आईपीएल में कितने लोग, जितने भी लोग होंगे, अलग अलग टीम्स के होंगे बट सब इंडियंस होंगे, है ना, सपोज करो सब इंडियंस हैं, सो दैट इज़ होमोजीनियस क्राउड। ऑब्वियसली सब इंडियंस नहीं होंगे बट अगर सपोज करके चलें तो वो होमोजीनियस क्राउड होगा। ओके, सो नेक्स्ट इज पब्लिक। व्हाट इज़ पब्लिक? स्कैटर्ड ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर और शेयर एन इंटरेस्ट इन पर्टिकुलर टॉपिक। पब्लिक क्या होता है कि स्कैटर्ड ग्रुप होता है लोगों का, मतलब बिखरा हुआ ग्रुप है। क्राउड क्या होता है, इकट्ठा होता है, और पब्लिक क्या होती है, टुकड़े टुकड़ों में बटी हुई है, स्कैटर्ड है। हु शेयर इंटरेस्ट इन पर्टिकुलर टॉपिक, जिनका एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है उस टॉपिक को लेके वो लोग इकट्ठे होते हैं, बट दे आर नॉट इन ग्रुप, दे आर स्कैटर्ड, ठीक है ना। व्हाट इज ऑडियंस? ऑडियंस क्या होता है, लेट सपोज एग्जांपल ले लो कॉन्सर्ट का, किसी सिंगर का कॉन्सर्ट हो रहा है, वहाँ पर क्या हुआ, क्राउड जमा हुआ है, तो ऑडियंस क्या है? ऑडियंस और क्राउड में देखो डिफरेंस है। अब मैंने बताया था एक मॉल का एग्जांपल जहाँ पर एमएस धोनी आए थे, वो कोई कॉन्सर्ट नहीं था, एमएस धोनी आए और लोगों का स्टीमुलाइज मिला और लोग इकट्ठे हो गए, दैट वाज जस्ट क्राउड। बट ऑडियंस क्या है? ऑडियंस डिफाइंड है कि यार उसे बुलाया जा रहा है ऑडियंस को, ठीक है, तो ऑडियंस को बुलाया जाता है जस्ट लाइक कॉन्सर्ट। सबको पता है कि इस सिंगर का कॉन्सर्ट यहाँ पे होने वाला है, इतने बजे से इतने बजे तक होने वाला है, एक टाइम पीरियड के लिए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड लिखा है ना यहाँ पे, देखो फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक लॉज। कुछ लॉज होते हैं, है ना, कि भाई 2 घंटे का शो है, 2 घंटे तक आपको रहना है स्पेसिफिक पीरियड के लिए, उसके बाद लोग चले रहेंगे, तो दिस इज कॉल्ड एन ऑडियंस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्पेसिफिक पर्पज है इसका, पर्पज है सबको कॉन्सर्ट सुनना है, इसी पर्पज से आए हैं। इंटरेक्शन बिटवीन ऑडियंस एंड परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली सिंगर गाना गाएगा और ऑडियंस उसको रिएक्ट करेगी, तो एक इंटरेक्शन होगा दोनों के बीच में। थर्ड पॉइंट इज ऑडियंस अफेक्टेड बाय परफॉर्मेंस स्पीच एंड एक्शन। सही बात है, जैसे कॉन्सर्ट में सुना होगा, जैसे बीट आती है कोई, या फिर कोई लाइन आती है बहुत अच्छी सी जो दिल को छू जाती है जस्ट लाइक दैट, तो उसमें क्या होता है कि ऑडियंस अफेक्ट हुई परफॉर्मेंस की वजह से, जैसे ही परफॉर्मर ने कुछ चीज़ बोली, स्पीच दी, एकदम से ऑडियंस क्या हुई, अफेक्ट हुई, तो एकदम से लोग चिल्लाने लग जाते हैं, शाउटिंग करने लग जाते हैं, तो वो क्या हो गया, अफेक्ट हो रही है ऑडियंस, उस वजह से ऑडियंस इंटरेक्शन है बीच में, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस में देखो कई बार क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, लाइक अगर 5 नंबर या 8 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो वो आपसे पूछ सकता है सोशल प्रोसेस के टाइप्स क्या क्या होते हैं या मेथड्स क्या क्या होते हैं। मेथड्स में सबसे पहले क्या है, कंपटीशन, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कंपटीशन, ठीक है। दूसरा मेथड हम बताएंगे अभी, वेट। दूसरा मेथड है कोऑपरेशन। तीसरा मेथड है कॉन्फ्लिक्ट, और नीचे हम चलते हैं, बस 3 मेथड्स हैं यहाँ पर, और भी मेथड्स हैं थोड़े से, वो मैं थोड़ा बताऊँगा आगे आपको भी, ठीक है ना। कोऑपरेशन की बात करते हैं, व्हाट इज़ कोऑपरेशन, सॉरी कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है, स्ट्रगल फॉर पोजेशन ऑफ रिवार्ड्स विच आर लिमिटेड इन सप्लाई लाइक गुड्स स्टेटस पावर। ये डेफिनेशन होटन एंड हंट ने दी है। इसका मतलब क्या है, किसी एक लिमिटेड चीज़ के लिए स्ट्रगल करना, और कोई एक सिंगल बंदा स्ट्रगल ना कर रहा हो, या ऐसा नहीं कि एक सीट है और एक बंदा, ऐसा नहीं होता ना कि एक प्राइज, एक ही सीट है और एक ही बंदा वो कर रहा है, क्या कहते हैं, उसके लिए कम्पीट कर रहा है, दिस इज़ नॉट कम्पटिशन। कम्पटिशन होता है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में, ठीक है, और एक लिमिटेड चीज़ के लिए होता है कॉम्पिटिशन। स्ट्राइविंग ऑफ 2 or more person फॉर द सेम गोल, उनका गोल सेम है बट लिमिटेड है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब स्ट्रगल करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड कॉम्पिटिशन। कैरेक्टरिस्टिक इज़ यूनिवर्सल कॉन्टिन्यूस लिमिटेड गोल्स, ये इतना ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, आप पढ़ के भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। टाइप्स में भी आप देख सकते हैं, सोशल होता है जिसमें स्टेटस और पोजीशन आता है। इकोनॉमिक की अगर हम बात करें तो
पैसे के लिए है ना, एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब्स के लिए कंपटीशन, पॉलिटिकल में क्या होता है पॉलिटिकल पावर के लिए सीट्स के लिए कंपटीशन, कल्चर में क्या होता है कल्चरल ग्रुप को बड़ा करने का कंपटीशन, आजकल बहुत देखा गया ये चीज़ तो है ना, हर कोई अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहता है ताकि उनके कल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं सोशल प्रोसेस की, दैट इज़ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन क्या होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, टू और मोर पर्सन वर्क टुगेदर टू गेन अ कॉमन एंड, जिनका एक कॉमन गोल होता है, दो या दो से ज़्यादा लोग जो साथ में मिलकर काम कर रहे हो, जिनका सेम गोल हो, कॉमन एंड हो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कॉन्शियस होता है, कॉन्शियस मतलब जानबूझकर, ऑब्वियसली तुम इंटेंशनली काम करते हो ना, तुम अपनी विल से काम करते हो कोऑपरेशन में, तुम्हें पता होता है कि तुम किसी के साथ काम कर रहे हो। और यूनिवर्सल होता है, हर जगह होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, कॉमन गोल होता है, टाइप्स में देख सकते हो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड हाँ ये देख सकते हो टाइप्स ऑफ कोऑपरेशन के, प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं जिनमें है ना, और सेकेंडरी इन सेकेंडरी ग्रुप्स इन टू और मोर ग्रुप्स, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट बट हाँ पढ़ सकते हो, बट डेफिनेशन आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। नाउ कॉन्फ्लिक्ट की हम बात करते हैं, व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट। ए डब्ल्यू ग्रीन ने बोला, डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू अपोज रेजिस्ट और कोर्स विल ऑफ अनदर और अदर्स। इसका मतलब क्या है, डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, इंटेंशनल, इंटेंशनल मतलब अपनी इच्छा अनुसार, इच्छा के अनुसार मन से, ठीक है। तो डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू अपोज मतलब इंटेंशनली किसी चीज़ को अपोज करना, अपनी इच्छा से किसी चीज़ को अपोज करना, उस चीज़ को मना करना, रेजिस्ट करना है ना, किसी भी विल को, मतलब ये कि अगर कोई मुझे पेन बेच रहा है या कोई अपना आइडियोलॉजी बेच रहा है मेरे को कि मैं तुझे ये करना चाहिए, तुझे ये नहीं करना चाहिए, तू नर्सिंग जोन पे वीडियोस बनाना छोड़ दे, अब क्या हो गया उसके और मेरे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वो अपनी अपना विल दिखा रहा है मेरे को कि मैं तू ये करना छोड़ दे, ठीक है। उसका विल क्या है कि मैं वो काम छोड़ दूँ, मैं नर्सिंग जोन पे वीडियोस बनाना छोड़ दूँ, ठीक है, किसी का विल है मान लो, तो उसने इंटेंशनल, अब मैं क्या करूँगा, उसे मना करूँगा भाई, इंटेंशनली अपोज करूँगा, भाई नहीं मैं तो वीडियो बनाऊँगा, तुझे जो करना हो कर ले। अब मैंने इंटेंशनली क्या बोला उसे, मैंने अपोज कर दिया इंटेंशनली और रेजिस्ट किया उसकी बात को, उसकी जो विल थी उसको मैंने रेजिस्ट किया, दिस इज़ कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये यूनिवर्सल होता है, पर्सनलाइज्ड होता है, यानी कि पर्सनल होता है ना, कॉन्शियस होता है, यानी कि आपको पता होता है। टाइप्स की हम बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइप्स आपसे पूछ सकता है, देखो इसके टाइप्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, बाकी को मैं नहीं कहूँगा, बट इसके हैं, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, बट आप इसे डिटेल में ज़रूर पढ़ लेना बुक में। अगर फिर भी आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट कर देना, मैं देखता हूँ अगर टाइम मिलेगा तो मैं बना दूंगा इसके ऊपर भी छोटा सा वीडियो। नाउ आई विल मूव ऑन टू एकोमोडेशन। व्हाट इज एकोमोडेशन, प्रोसेस इन विच मैन अटेन्स अ सेंस ऑफ हारमनी विद हिज एनवायरमेंट। इसका मतलब ये है कि सेंस ऑफ हारमनी मतलब कि एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये एकोमोडेशन क्या होता है, एक तरह का एडजस्टमेंट होता है अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एकोमोडेशन, प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ होस्टाइल इन्वायरमेंट्स और ग्रुप। दूसरी जो डेफिनेशन है, इसका मतलब ये है कि आपने दूसरे इंडिविजुअल्स या दूसरे ग्रुप के मेम्बर्स के अकॉर्डिंग या ग्रुप्स के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, दिस थिंग इज कॉल्ड एकोमोडेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना यार, इतना कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं, यूनिवर्सल, कॉन्टियस, कॉन्टिन्यूस, कॉन्शियस। एडवांटेजेस देख लेना, हाँ मेथड्स में आप इसका नाम ज़रूर पढ़ लेना, यील्डिंग और कोर्सिंग है ना, कॉम्प्रोमाइज, टोलरेशन एंड कन्वर्जन, मैंने इसके आगे लिखा भी हुआ है डेफिनेशंस, आप नोट डाउन कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं इसे है ना, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। हाँ फिफ्थ पॉइंट भी है, रैशनलाइजेशन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, प्रोसेस वेयर बाय द एटीट्यूड्स ऑफ मैनी पर्सन आर यूनाइटेड एंड दस बिकम इन यूनाइटेड ग्रुप्स। ये डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ही है, थोड़ी इजी वाली करते हैं। फ्यूजन और ब्लेंडिंग ऑफ टू प्रीवियसली डिस्टिंक्ट ग्रुप्स इनटू वन। इसका मतलब कि दो ग्रुप्स जो कि अलग अलग थे, अब दोनों का क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, दोनों की ब्लेंडिंग हो गई है ना, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। एग्जाम्पल लेते हैं, हमने पानी लिया एक गिलास, पानी एक अलग ग्रुप है, अब हम उसमें एक चम्मच नमक डाल देंगे, नमक एक अलग ग्रुप है, पहले दोनों अलग अलग ग्रुप थे, अब हमने दोनों को घोल दिया, अब दोनों मिक्स हो चुके हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा पानी और नमक दोनों को अलग कैसे करें, दोनों में अलग नज़र नहीं आ रहे, एक ही नज़र आ रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। जस्ट लाइक दैट ग्रुप वन और ग्रुप टू जब आपस में मिक्स हो जाए, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। नाउ इसके टाइप्स हैं, लैंग्वेज एसिमिलेशन, लैंग्वेज का मिक्स हो जाना, स्ट्रक्चरल एसिमिलेशन, मैराइटल आइडेंटिफिकेशन, रेसिप्रोकल, सिविक,
ये सब आप देख लेना। आइसोलेशन की बात हम करते हैं, व्हाट इज आइसोलेशन? एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन इंटरेक्शन और सोशल कॉन्टैक्ट। इसका मतलब ये कि कम्युनिकेशन का एब्सेंस, कम्युनिकेशन ही ना होना है ना, किसी एक कोई एक पर्सन है अपने आप को आइसोलेट करने का मतलब ये है, उसका आइसोलेशन का मतलब ये है कि उसने लोगों से बातचीत करना छोड़ दिया है, इंटरेक्शन करना छोड़ दिया है, सोशल कॉन्टैक्ट उसका खत्म हो गया है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोलेशन। ठीक है, टाइप्स होते हैं एब्सोल्यूट, स्पेशल, पार्शियल, ऑर्गेनिक, सोसाइटल। ठीक है, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस क्रिएट कर लेना, पार्शियल आइसोलेशन है ना। पार्शियल आइसोलेशन में क्या होता है कि आप कुछ लोगों से तो बात कर रहे हो, कुछ लोगों से बात नहीं कर रहे हो, जो कि कहीं कहीं सही भी होता है ना। पार्शियल आइसोलेशन कभी कभी सही होता है क्योंकि आप कुछ लोगों से जिनसे आपको बात करनी है आप उनसे तो बहुत अच्छे से बात करते हो, बट जिन लोगों से आपकी इतनी नहीं बनती आप उनसे नहीं बात करते, दिस इज कॉल्ड, या फिर आप उन लोगों के आने पर आप बिल्कुल अलग हो जाते हो, दिस थिंग इज कॉल्ड पार्शियल आइसोलेशन। ठीक है, बाकी यही था इस वीडियो में, और अब अगली वीडियो में मैं यूनिट 5 कराऊंगा, सोसाइटी एंड पॉपुलेशन। बट इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट था, रुक जाओ यार अभी जाना मत, इस वीडियो में क्या क्या इंपॉर्टेंट था मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। देखो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या था, वेट आने वाला है, यस, सोशल प्रोसेस के तीन मैंने वो बताया, स्टेप्स कर लो या मेथड्स कर लो, कॉम्पिटिशन, कोऑपरेशन, और एक मैं भूल गया, रुको, थर्ड इज कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ये तीन मैंने बताए, थ्री सीज, कॉम्पिटिशन, कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रुक जाओ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप का डिफरेंस, इन ग्रुप और आउट ग्रुप का डिफरेंस। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यार, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर लो यार, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पिछले वीडियोज़ नहीं देखे ना तो जाके देख लो। आगे फिफ्थ यूनिट में करने वाला हूँ स्टार्ट, कल अगले दिन डाल दूंगा, मतलब आज अगली वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।